तो द कश्मीर फाइल्स में जो कृष्णा दिखाया है वो असली लाइफ में कौन है? ये सवाल आपने मेरे कमेंट सेक्शन में इतनी बार पूछा कि मैं इसका उत्तर देने के लिए बाध्य हो गया। और मैंने फिर इसको ढूंढा, बहुत ढूंढा, और मुझे इसका उत्तर मिल भी गया। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि फिल्म वाला कृष्णा असलियत में कौन है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपने फिल्म में जिस कृष्णा को देखा है उसके जैसे कितने कृष्णा आपके आसपास मौजूद हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं फिल्म के कृष्णा की तरफ। तो आप में से कई लोगों ने जब फर्स्ट इम्प्रेशन लिया होगा उस कृष्णा का, तो आपको लगा होगा कि कहीं ये तो वो कृष्णा नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिल्म में जो कृष्णा दिखाया गया है वो ब्रेन वॉश्ड है। और ये चांडाल जो आपने फोटो में देखा, ये ब्रेन वॉश्ड नहीं है। एक समय पर रहा होगा, लेकिन आज के टाइम ये एक बहुत बड़ा ब्रेन वॉशर है। और न जाने हर दिन कितने मासूम सत्य को खोजने वाले हिंदू युवाओं को ये ब्रेन वॉश करके वो फिल्म वाले कृष्णा जैसा बना देता होगा। तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि हमें ये ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि फिल्म वाला कृष्णा असलियत जिंदगी में कौन है, बल्कि हमें ये ढूंढने की जरूरत है कि फिल्म वाले कृष्णा जैसे कितने कृष्णा हमारे आसपास मौजूद हैं और कौन उन्हें झूठी भावनाओं के मीठे शहद में डुबोकर राष्ट्रद्रोह की जहरीली शिक्षा दे रहा है, और कैसे आप उन्हें सत्य से अवगत कराकर उस जहर से मुक्ति दिला सकते हैं। अब आप अगर कहते हैं कि मैं क्यों करूं, मेरी नौकरी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, शाम को जॉब से आऊंगा, मुझे टीवी पे बैठ के दो नेताओं को प्री प्लान्ड तरीके से लड़ते हुए भी देखना, मेरे पास टाइम नहीं है। आपको नहीं लगता कि अगर आप ये सोच रखते हैं तब आपको ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि फिल्म में जो कृष्णा है वो असली जिंदगी में कौन है? क्योंकि आपके आंखों पर तो घोड़े जैसी पट्टी बंधी हुई है, साइड का कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको सामने देखना है। सुबह उठना है, जॉब पे जाना है, वापस आना है, खाना पीना खाना है, सो जाना है, फिर अगले दिन सेम। मैं नहीं कह रहा वो गलत है, जीविका चलाना बहुत आवश्यक है, धन चाहिए और धन आपकी ताकत को बढ़ाता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपके अस्तित्व का क्या, उसको भी तो नहीं छोड़ सकते। अपना ज्ञान बढ़ाइए और समाज में और ऐसे कृष्णा बनने से रोकने का दायित्व जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। और वो कृष्णा आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी समुदाय का हो सकता है। फिल्म में तो कृष्णा पंडित है, लेकिन मैं कहता हूं कि पंडितों से कहीं ज्यादा खतरा हमारे दलित भाइयों पे है, जो छात्र के रूप में इस देश के बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में जाते हैं और वहां जाके उनको वो शिक्षा मिलती है जिनसे उनको भविष्य में ना तो प्रगति मिलती है और ना ही सम्मान। लेकिन अगर आप उन्हीं युवाओं तक सत्य पहुंचाने में मेरा सहयोग करते हैं तो मैं मानता हूं कि सत्य के प्रकाश से इस समाज के अंधकार को दूर करने के लिए हम सफलता की सीढ़ी का पहली डंडी पर तो चढ़ ही जाएंगे। और ये आवश्यक इसलिए है ताकि हम और कृष्णा और कश्मीर बनने से रोक सकें। आपके पास यदि समय नहीं है, आप नहीं समय दे सकते समाज में लोगों से मिलने का, मैं वो काम कर रहा हूँ, आप मुझे समर्थन दीजिए, मेरी आवाज़ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। कुछ ना करने से तो बेहतर होगा ना। और इतना सा काम करके आप हमारी इस क्रांति में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और मेरी इन बातों से आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए हैं उन्हें आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मिलना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपको लगता है कि मैंने सभी बातें सही कही हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा ज़रूर, और हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और सत्य के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।